क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेरिकार्प व्हेन इट इज थिक एंड फ्लैशी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो ओवरी है, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर। सो ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। और जो ओवरी वॉल है, ओवरी वॉल After fertilization, it converts into fruit ki wall, and this fruit wall is known as pericarp. Is fruit wall ko hum kya bol rahe hain? Pericarp. Abhi pericarp fruit mein soft, fleshy, thin, hard kaisi bhi ho sakti hai. Agar ye pericarp jo hai, yahan par kaisi ho gayi hai, thick and fleshy. So if pericarp is थिक एंड फ्लैशी, अगर पेरिकार्प कैसी है, थिक एंड फ्लैशी है, तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी तीन अलग लेयर्स में। एक आउटर लेयर हो जाएगी, दिस आउटर लेयर इज नोन एज एपिकार्प, थिन आउटर लेयर एपिकार्प। देन मिडिल लेयर, जनरली जैसे मैंगो के अंदर कैसी है, फ्लैशी है, तो मिडिल फ्लैशी लेयर वो हो जाएगी मीजोकार्प, मीजोकार्प। एंड इनर लेयर इज एंडोकार्प, एंडोकार्प। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो नेम है पेरिकार्प, व्हाट इज द नेम ऑफ पेरिकार्प, जब वो थिक एंड फ्लैशी हो जाएगी तो उसको एपिकार्प बोलेंगे, मीजोकार्प बोलेंगे, एंडोकार्प बोलेंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। आउटर एपिकार्प, मिडिल मीजोकार्प, इनर इज एंडोकार्प।